ध्यान दीजिए दोहों की तरफ। हाँ, दोहा क्या था? दोहे के अंदर दिया गया है कि रहीमदास जी ने शिक्षा दी है कि रहीमन बड़िन को देख कर लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई का करे तलवारी। समझ आई बात जो अभी मैंने आपको समझाई? मैंने दोहा लिखा, रहीमन रहीमदास जी के अनुसार, बडेन बडेन का अर्थ होता है उच्च पद वाले, ऊंचे पद वाले। बडेन को देखकर, लोगों को देखकर क्या मत करो, लघु यानी छोटे पद वाले या निम्न पद वाले। निम्न पद बोले मैंने, कद मत कर देना, पद यानी पोस्ट। लघु ना दीजिए डारी, डारी का अर्थ होता है त्यागना। छोटे पद वाले व्यक्तियों को त्यागना नहीं चाहिए। क्यों भाई? तो रहीमदास जी आगे अपनी बात कहते हैं कि जहां काम आवे सुई, जहां काम आवे सुई और का करे तलवारी, का करे तलवारी, तो वहां तलवार भी क्या कर सकती है, अर्थात कुछ नहीं कर सकती। ये दोहे संस्कृत में है क्या? हिंदी में लिखे हुए हैं, कहीं कहीं पर संस्कृत का वर्ड है, कहीं कहीं पे संस्कृत की वर्डिंग शामिल है, जैसे लघु है ना, डारी त्यागना। ठीक है, अब पहले शब्दों के अर्थ समझो। रहीमन रहीमदास जी के अनुसार, बड़ेन बड़े या ऊंचे पद वाले लोगों को देखकर, वो देखकर। लघु छोटे या निम्न पद वालों को ना नहीं दीजिए देना चाहिए डारी, त्याग को त्याग नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जहां यानी जिस स्थान पर हमारा काम निकाल सकती है सुई जैसी छोटी सी वस्तु, पीछे जहां हमारा कार्य छोटी सी सुई निकाल सकती है, वहां का करे अर्थात क्या कर सकती है कौन, तलवारी यानी तलवार, अर्थात वहां तलवार हमारे किसी काम की नहीं है। अर्थात जहां पर जो कार्य जिस व्यक्ति के द्वारा संभव होता है हमारे लिए, तो इम्पोर्टेंट और रिस्पेक्टेबल वही है, हमारे लिए महत्वपूर्ण और सम्माननीय वही है जो हमारे काम में हमारी मदद करता है। इसलिए सभी के साथ बनाकर रखनी चाहिए, ऊंच और नीच, उच्च और निम्न समझ करके उनके बीच में भेदभाव नहीं करना चाहिए। समझ आ गई बात? आगे बढ़े, सेकंड लास्ट दोहा है, और सेकंड लास्ट दोहे में क्या बताया है, मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। आज मेरे साथ मेरे कई दोस्त हैं, मैं छुट्टी वाले दिन उनको कह देता हूँ, हाँ भाई आ जाना मेरे घर पे, आ जाना, आज मम्मी ने बहुत बढ़िया पिज्जा पेस्ट्री पास्ता कुछ भी तैयार किया है, खूब अच्छी पिकनिक बनाएंगे, मेरे घर पे एक अच्छी ट्रीट दूंगा मैं तुम्हें। एक दिन आएंगे दोस्त, दो दिन आएंगे, अब दोस्तों को क्या पड़ जाएगी आदत, लगभग महीने में 15-20 दिन मैं इस तरह ये एक्टिविटी अपने घर में कर लेता हूँ। ठीक है, अब मम्मी किसी काम से चली गई है बाहर, मुझे जरूरत पड़ गई कि अब मैं एक टाइम का खाना भी नहीं बना पा रहा। मैंने अपने उन्हीं दोस्तों से बोला कि यार एक महीने के लिए मम्मी कहीं गए हुए हैं, तो मैं, तुम लोग बता दो किस किस के घर आऊं, मेरे को रोज खाने की जरूरत है यार, मैं बना नहीं पा रहा, तो तुम्हें कौन कौन से तुम्हारे दोस्त हैं जो मदद कर पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा तो उसमें से क्या होंगे? नहीं यार मेरी तो मम्मी खुद घर पे नहीं रहती, नहीं यार मैं तो ट्यूशन चला जाता हूँ, तू किस समय आएगा, हमारे तो खुद मेड आती है, वो कर कुरा के चली जाती है, हमारे तो घर का टाइम ही नहीं है किसी को इतना करने का, क्योंकि एक बंदे का काम भी उनके लिए क्या है, भार है, बोझ है ना। मेरे जेब में पैसे हैं, मेरे पास एक अच्छी सी बाइक है, पापा अच्छी पॉकेट मनी देते हैं, खूब अच्छा घूमते हैं दोस्तों को ले लेके, दोस्त जो साइकिल चलाते हैं ना वो भी साइकिल छोड़ देंगे और हमारे साथ गाड़ियों पे घूमेंगे। हमने कह दिया कि अरे यार पापा ने पॉकेट मनी बंद कर दी, गाड़ी तो है, पेट्रोल डलवाना है, आज तू लिया 100 रुपए तू डलवा ले, एक बार तो डलवाएगा, दूसरी बार फोन करोगे ना आ रहा है क्या घूमने चलते, कहता है रहने दे आज ले आऊंगा, क्योंकि उसको लगा कि जब तक आपके पैसों से ऐश कर रहा है तब तक वो आपका है, जिस दिन आपके पैसे खत्म उस दिन आपके दोस्त छू मंतर है या नहीं, प्रैक्टिकल बात तो यही है। तो रहीमदास जी क्या कहते हैं कि जब भी आपके ऊपर मुसीबत आती है ना, तो सबसे बड़ी मदद आपके पैसे, जो आपके कमाई हुए पैसे हैं वो करते हैं। जैसे दुख का अधिकार में हमने पढ़ा, उस बूढ़ी खरबूजे बेचने वाली महिला का बेटा मर गया था, लेकिन कोई भी लोग उसको उधार नहीं दे रहे थे, क्यों नहीं दे रहे थे,
क्योंकि क्या पता कब वो भी मर जाए, हमारा दिया हुआ उधार तो उधार ही रह जाएगा, उसको चुकाएगा कौन। जबकि दूसरी तरफ संभ्रांत महिला थी, उसके भी बेटे की मौत हुई थी, लेकिन वो खूब अच्छी धनी और अमीर थी, वहां लोग उसको मदद भी कर रहे थे, पूरे पूरे दिन बैठे भी रहते थे, बार बार आना जाना लगा रहता था। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा था। यही बात रहीमदास जी हमें बता रहे हैं, जिसके पास खुद का कमाया हुआ पैसा है, हर कोई व्यक्ति आपका दोस्त बनकर आपकी मदद करेगा, और जिसके पास पैसा नहीं है, चाहे कितने भी दोस्त सगे हो, वो सारे के सारे वहां से गायब हो जाएंगे, आपको मदद करने वाला एक भी बंदा नहीं मिलेगा। इसलिए जरूरी है कि अपने जीवन में जितना आपके शरीर में ताकत है, खूब अच्छी और ईमानदारी से कमाई कर लो, वही कमाई आपके आगे काम आएगी। समझ आई बात? घर परिवार में भी आपने देखा होगा कि जब तक हमारे घर का बिजनेस, हमारे घर का हाल अच्छा खासा चलता है, लोग बहुत आते हैं, कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी त्योहार हो, आना जाना लगा रहता है, और जिस दिन ऐसा लगता है कि यार अब इनकी हालत अच्छी नहीं रही है, तो वो फोन तक नहीं उठाते। उठाते हैं क्या? कभी कभी आपने फिर पेरेंट्स को भी ऐसे बात करते सुना होगा, पहले तो कितना आना जाना लगा रहता था, क्योंकि उसका स्वार्थ सिद्ध हो रहा था, आजकल हमारे पास कुछ है नहीं, तो देखो कितना बुरा बर्ताव करता है, फोन तक नहीं उठाता, कोई जवाब तक नहीं देता। हाँ, होता है ना, कोई ना कोई ऐसा कारण हो ही जाता है। बस वही बात यहाँ रहीमदास जी ने दोहे में बताई है। दोहा क्या कहता है, पढ़ के बताओ, कौन पढ़ेगा? पढ़ो रिंकी। रहीमन निज संपत्ति बिना कौन विपत्ति सहाय। हाँ जी, शाबाश बेटा, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा, बैठिए। बिनु पानी ज्यों जलज को नहीं रवि सके बचाए। अच्छा ये बताओ, जलज किसे कहते हैं? जलज का जो हम वाक्यांश बनाएंगे ना, जल में जन्म लेने वाला। कमल का पौधा देखा है क्या? आज हमारे घर में हमने लोन में एक क्यारी खोद करके कमल का पौधा उगाया है। कमल को उगने के लिए क्या चाहिए? खूब सारा पानी। कीचड़ तो होता ही है, उसमें पानी की क्वांटिटी ज्यादा होती है, यानी कमल की खुद की संपत्ति क्या है? पानी। अगर पानी नहीं होगा तो कमल वहां स्टैंड नहीं कर पाएगा, खड़ा नहीं रह पाएगा, और क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। तो अब देखो क्या कहते हैं रहीमन, रहीमदास जी के अनुसार, निज यानी अपनी संपत्ति यानी धन दौलत, बिना यानी के अलावा, ठीक है, को यानी कोई भी, ना यानी नहीं, विपत्ति यानी मुसीबत में, सहाय यानी सहायता। समझ आ गई लाइन? रहीमदास जी कहते हैं अपनी कमाई हुई धन दौलत के अलावा कोई भी मुसीबत के समय सहायता नहीं करता। जब तक हमारे पास हमारी धन दौलत है, तभी तक दूसरे हमारी सहायता करेंगे। कैसे? बिनु यानी के बिना, किसके बिना? पानी के बिना। ज्यों यानी जिस प्रकार, जलज यानी जल में जन्म लेने वाला अर्थात कमल, जिस तरह से बिना पानी के कमल को रवि यानी सूर्य, नहीं यानी नहीं, सके यानी सकता, बचाए यानी बचा या रक्षा, सूर्य भी उसको बचा नहीं सकता, सूर्य भी उसकी रक्षा नहीं कर सकता, अर्थात वो कमल क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा, मुरझा जाएगा। आ गई बात समझ में? चलिए अब लास्ट दोहे की ओर बढ़ते हैं, और लास्ट दोहा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दोहे में तीन अर्थ निकल रहे हैं, एक ही दोहे में तीन अर्थ निकल रहे हैं। कैसे? देखो क्या कहता है। देखो, रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सुन। सही बात है कि नहीं है भाई? रहीमदास जी कहते हैं हे भगवान, पानी हमेशा बना के रखना, क्योंकि जल है तो अगर जल खत्म हो जाएगा तो धरती पर से जीवन भी। इसलिए रहीमदास जी ने भगवान से कहा, हे ईश्वर, हमेशा धरती पे पानी बना के रखना। क्यों? क्योंकि बिनु पानी, पानी के बिना सब जगह सुनसान हो जाएगा, बंजर हो जाएगा, होगा
क्या कहते हैं, पानी गए ना उबरे, पानी गए ना उबरे, कि एक बार पानी चला जाए, चला जाए या नष्ट हो जाए, एक बार अगर पानी नष्ट हो जाए तो ना उबरे, तो ये तीन चीजें संभल नहीं सकती। उबरे यानी संभल, ना यानी नहीं सकती, कौन सी तीन चीजें, मोती, मानुष और चून। अब ध्यान सुन, ध्यान से सुनना, मोती आपने सुना होगा कि अरे यार ये मोती देखना, इसका पानी कितना अच्छा है, मोती का पानी, मोती का पानी इतना अच्छा है कि मोती बहुत कीमती लग रहे हैं। अगर मोती का पानी उतर गया ना तो वो मोती जो है पत्थर सरीखे लगने लग जाते हैं। तो मोती का पानी यानी मोती की, मोती का पानी यानी मोती की चमक। जब तक मोती का पानी बरकरार है यानी मोतियों में चमक बरकरार है तब तक वो हमारे लिए कीमती है। अगर पानी एक बार उतर गया, मोती की चमक एक बार उतर गई, तो वो मोती वापस से काम के नहीं रहेंगे, संभल नहीं पाएंगे, काम के नहीं रहेंगे। अब बात आती है मनुष्य, मनुष्य का पानी, मैडम ने उसको इतना डांटा उसका पानी उतर गया, पानी उतरना बेइज्जती होना, यानी उसकी उसका जो सम्मान था वो सारा नष्ट हो गया। मनुष्य का पानी का अर्थ है मनुष्य का पानी यानी मनुष्य का सम्मान। एक बार अगर उसका सम्मान चला जाए, नष्ट हो जाए, तो वो व्यक्ति भी दोबारा संभल नहीं पाएगा, यानी वापस से अपने सम्मान को प्राप्त नहीं कर पाएगा। और चून का अर्थ होता है आटा। अगर आटे में पानी नहीं मिलाओगे तो क्या वो खाने योग्य रहेगा? वो खाने योग्य नहीं रहेगा, क्योंकि सूखे आटे को खाया भी नहीं जा सकता। तो तीन संदर्भों में पानी के तीन अर्थ है, मोती का पानी मोती की चमक, मनुष्य का पानी मनुष्य का सम्मान, और चून यानी आटे में पानी ताकि आटा खाने योग्य बने। अगर पानी इनमें नहीं रहा, मोती का पानी उतर गया, मोती की चमक उतर गई, तो वो मोती क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पानी का अर्थ है तीन संदर्भों में। समझ आ गया आप सभी को? यहाँ रहीमदास जी का ये दोहा और ये पाठ कंप्लीट होता है। 8 क्वेश्चंस हैं, अच्छे से पढ़ के आना, मंडे को सभी अपनी कॉपियों के साथ उपस्थित होना। ठीक है, धन्यवाद बेटा जी आप सभी का।